तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो विखे बुंगा नानकसर SGPC दे विचाले जो जमीनी विवाद चल रहा सी ओ कल देर शाम समाप्त हो गया है। विवाद सुलझ गया है। कल प्रशासन ने दोवां तरां दी फिर बैठक करवाई ते बैठक दे विच सहमति बन गई है। डिप्टी कमिश्नर बठिंडा शौकत अहमद परे अते SSP बठिंडा गुलनीत सिंह खुराना कल इत्थे पहुंचे, विवाद वाली जमीन अते बुंगा नानकसर दा जायजा लिया, जिस तों बाद दोवां तरां दे नाल मीटिंग हुई अते समझौता होया कि गुरद्वारा बुंगा नानकसर दियां इमारतां वाली थां गुरद्वारा नानकसर दे कोल ही रहेगी, जबकि वाहीयोग बाकी जिहड़ी जमीन है वह श्रोमणी कमेटी कोल रहेगी। SGPC मैंबर मोहन सिंह बंगी ने मीटिंग तो बाद सारी जानकारी दिंदिया दस्या कि जिथे गुरु रविदास जी का मंदिर बनया होया है वह उस थान ते रहेगा अते जिहड़ी जमीन ते गुरद्वारा बाबा बीर सिंह धीर सिंह बनया होया वह भी उस थान ते रहेगा। वाहीयोग जमीन है जिहड़ी वह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे कोल रहेगी। मोहन सिंह बंगी ने समझौते की कड़ी बनने के लिए प्रशासन का भी धन्यवाद किया। हुण दोवें धिरां दे वलों कहिंदे श्री अकाल तख्त साहिब की मर्यादा के मुताबिक आपसी सांझीवालता का सुनेहा दिंदिया होया बाणी का प्रचार किया जाएगा। कुछ पिछले दिनों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का बुंगा नानकसर जो कि पिछले लंबे समय तो तकरीबन 23 साल हो गए केस चल रहे थे, उसके संबंध में कुछ झगड़ा होया। सो अज बड़ा सुभागा देना कि सत्कार जो DC साहब ने SSP साहब ने समुचे प्रशासन ने यह दोनों धिरां नूं बुला के उसका समझौता करवाया कि समझौता जिहड़ा 14 मरलों का जो झगड़ा चलिया सी वह जगह गुरद्वारा साहब बने, बाबा बीर सिंह धीर सिंह उस जगह के बनया और बुंगा नानकसर भी उस जगह के बनया, जो कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह धामी जी ने पहला ही सानू सुबह ही हुक्म करता सीगा कि बड़ा दिल दिखा के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फैसला करना, कोई ये नहीं करना कि कनाल असं घट छड़नी है जद छनी है जिका नहीं लाना किसी कल को। सो मैं उन्होंने भी धन्यवाद करना कि सानू पावर दित्तियां, वह खुले पावर के नाल ही असी खुले दिल नाल अज सारे ने समझौता किया गया। सो जिहड़ा समझौता होया गुरद्वारा साहब जिहड़े दोने आ वह इसे तरह ही इस जगह दे विच गुरद्वारा साहब स्थापित रहेंगे और जो उत्थे कार्ज होने वह अकाल तख्त साहब की मर्यादा के मुताबिक जो पहला भी यह गुरद्वारा साहबान अकाल तख्त साहब की मर्यादा ही भाल रखते हैं उस तरह ही चलाउणगे। सो मैं धन्यवाद करदा सारे समुचे जिन्हें भी रोल अदा किया इस समागम के कई दिनों तो प्रशासन का भी सारी जिन्हें पत्रकार वीर चाहे किसी के साथों छाण के खिलाफ मेथों किसी तो भी उल्ट बोलिया गया होवे असी माफ़ी भी चाहते हैं। सो अगे तो कोशिश करांगे कि यह जिहा विवाद ना खड़ा होण दईए इस समझौते नूं लागू जिहड़ी उह चीज़ बनाऊंगे जो भी उत्थे चीज़ बनेगी उस दे उत्ते जिस तरह फैसला किया गया गुरुआं दे गुरु रविदास भगत जी का नाम जिक्र किया, बाबा बीर सिंह धीर सिंह जी का जिक्र किया, बाबा जीवन सिंह जी का वो असी स्थापित करांगे जदों भी बिल्डिंग उत्थे कोई भी कार्ज असी करांगे। सो जिहड़ी वाहीयोग जमीन आ तकरीबन बाबा बीर सिंह धीर सिंह जी दे कब्जे दे विच इस तरह बुंगा नानकसर दे कब्जे दे विच सी उह समझौते तहत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं छड्डी गई है जिहदे विच आपां कार्ज इह बिल्डिंग बनाउण दी गल कर रहे हां। बुंगा नानकसर दे वल्लों दलित भाईचारे दे नाल संबंधित कुलदीप सिंह सरदूलगढ़ ने भी विवाद नूं हल करन दे लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो खुलदली दिखाई है उस खातर धन्नवाद कीता ते प्रशासन दी भी शलाघा कीती। 11 मैंबरी जिहड़ी साडी गुरद्वारा नानकसर बुंगा जी दी जिहड़ी 11 मैंबरी कमेटी बनी सी अज काफ़ी साथी उहदे विचों इत्थे मौजूद ने। अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साढ़े सत्कारयोग साथी साढ़े बहुत ही सत्कारयोग माता जी सारे जिन्हें भी मैंबर से दोनों धिरां ने बैठ के असी मसला हल कर लिया, टेबल पर बैठ के हल कर लिया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए साडियां शर्तां मनिया ने। उस जगह के उत्ते सतगुर रविदास महाराज जी नानकसर बुंगा रमदासिया सिंघा गुरु घर मौजूद रहेगा। इतों तक कि कमेटी ने खुला दिल दिखाते हुए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी क्योंकि थोड़े कुछ कन्फ्यूज खड़े हो गए से जिहड़ा ये बवाल चलिया तो समाज ने बहुत बड़ा साडा साथ दिता, सारे
सारे ही साथियों ने सारे जिन्हें भी सी बहुत बड़ा संजोग दिता ते संजोग मिलन दे नाल मिल बैठ के यह मसला हल हो गया। सतगुर रविदास जी का गुरु घर उस जगह पर उस स्थान पर रहेगा। ये जल्दी ही सानू प्रशासन ने मानयोग डीसी साहब मानयोग SSP साहब का भी बहुत मानयोग SDM साहब तलवंडी साबो का DSP तलवंडी साबो का दिल दी गहराइयां दे विचों धन्नवाद मानयोग SSP मानयोग साढ़े DC साहब का पूरा समा दे के साड़ी गल्लां नू साड़ियां भावनावां नू समझदे होए गुरु घर वाली जगह जिनी भी है 15 कनाल 14 मरले वो गुरु घर नू ही मिलेगी। तो जिहड़ी कोई नाल थोड़ी मोटी मैं तो कमेटी का फिर धन्नवाद करूँगा जे कोई भूमि घटती है जां किसी चीज़ की कोई कमी पैंदी है वह भी कहें असं तुहानू मुहैया करावांगे। तो इस करके अगे तो दोनों धिर समाज नू नवें समाज नू सिख इतिहास वास्ते दसणगे ते उन्हां नू बाणी नाल जोड़न लई प्रेरित करनगे। ते दूसरी गल जिहड़ी नानकसर बुंगा दे जमीन मेरा ख्याल लगभग 12 कनालां दी जमीन कब्जे दे विच सी लंबे समय तो वो जिहड़ी छड्डी है वह जमीन दे विच जिहड़ा भी कुछ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोलों बनाया जाऊ जिहड़ी उहदी गैलरी होगी उहदे विच सतगुर रविदास महाराज जी दी याद दे विच उन्होंने संपर्कित किया जाऊगा बाबा वीर सिंह बाबा धीर सिंह जी नूं भी मैं श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी का धन्यवाद करदा। इस सारा मसला 15 कनाला 14 मरले जमीन का सी इस नूं लैके पिछले कई सालों तो केस चल रहा सी। कई वारी अदालत दे विच केस मुड़ मुड़ पहुंचिया ते हर वारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे हक दे विच फैसला होया ते 12 मई नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अदालती फैसले नूं मानदिया उक्त जमीन ते अपना कब्जा कर लिया सी। दूजे पासे गुरुद्वारा नानकसर के प्रबंधक कह रहे सन कि 1946 तो इस जमीन के काबजकार ने SGPC की इस कार्रवाई में लैके खास करके दलित भाईचारे दे विच वड्डा रोस देखा जा रहा सी ते वड्डा धरना तख्त साहिब के बाहर लग्या होया सी। वड्डी गिणती विच पुलिस फोर्स भी तैनात सी। सो अदालत के फैसले मुताबिक भावें यह जमीन SGPC की है पर विवाद का हल करने के लिए SGPC ने श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार के निर्देशों से खुलदली दिखाते हुए गुरुद्वारा नानकसर साहिब में भी जमीन है जी दे देती है।